हेलो गाइस, गायत्री विद्या मंदिर सांचौर के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। लास्ट क्लास में मैंने एक न्यूमेरिकल जो है वो आधा करके छोड़ दिया था आपके लिए। आशा करता हूँ कि आपने उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर लिया होगा। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट किया है तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर मैंशन करें। कॉमेंट बॉक्स में आंसर के अलावा और कुछ भी मैंशन नहीं करना है, ठीक है। चलिए आज का सेशन अपन शुरू करते हैं। देखिए, आज अपन गोलीय सतह से अपवर्तन के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी गोलीय सतह से अपवर्तन के नियम को समझेंगे जो कि एक इक्वेशन की फॉर्म में है। उसके अतिरिक्त हम एक और प्रकार की गोलीय सतह से भी अपवर्तन को समझेंगे जो कि आपके सिलेबस में नहीं है हालांकि, लेकिन जब अपन लेंस पढ़ेंगे तो उस लेंस में दोनों ही प्रकार की सतहों का उपयोग करेंगे, इसलिए हम दोनों ही प्रकार की सतहों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है गाइस वो है गोलीय सतह से अपवर्तन। गोलीय सतह से अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक गोलीय सतह दे रखी है जिसका मैं नाम दे देता हूं ए, बी और सी, ठीक है। और ये जो गोलीय सतह है ये कांच की बनी हुई है, ग्लास। तो इसका जो अपन अपवर्तनांक मानते हैं, इसका अपवर्तनांक मैं मान लेता हूं एन टू, और इसके इधर एयर है उसका अपवर्तनांक अपन क्या मान लेते हैं एन वन। इसके इधर एयर है और ये चूंकि ग्लास है तो ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है, ठीक है। और इसका अपन एक अभिलंब बना देते हैं, तो ये इसका अभिलंब बना देता हूं मैं इस सतह पर, ये अभिलंब है और ये अभिलंब जो है ये इसके वक्रता केंद्र से होकर जा रहा है, ठीक है। ये इसका अभिलंब है। इस बिंदु को भी अपन नाम दे देते हैं गाइस, मैं इसको नाम दे देता हूं एम, ठीक। अब अपन क्या मानते हैं, देखिए मान लेते हैं कि कोई वस्तु यहां पर उपस्थित है, वस्तु है ओ यानी ऑब्जेक्ट। तो वस्तु से चलकर जाने वाली प्रकाश की जो किरणें हैं वो किस माध्यम से किस माध्यम में जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम, एयर से ग्लास में जा रही है। तो जानी तो क्या चाहिए, सीधी, लेकिन क्या करेगी, अभिलंब के पास आ जाएगी। ये अभिलंब है तो अभिलंब के पास आ जाएगी, तो ये अभिलंब से पास इस प्रकार से मुड़ जाएगी और ये प्रिंसिपल एक्सिस को, मुख्य अक्ष को जहां कट करेगी वहां पे इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा यानी कि आई, इमेज बनेगा, ठीक है। इस बिंदु से मैं इस मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल देता हूं, ये डाल दिया मैंने लंब और इसको नाम दे दिया एन, ठीक है। मान लेते हैं ये वाला जो एंगल है उसको मैं कह देता हूं अल्फा, ये वाला जो एंगल है उसे मैं कह देता हूं बीटा, और ये वाला जो एंगल है उसे मैं कह देता हूं गामा, क्लियर। आपतित किरण और इस अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण आई, और ये वाली जो किरण है वो अपवर्तित किरण है। तो अपवर्तित किरण और इस अभिलंब के बीच, ये अभिलंब है और ये अपवर्तित किरण है, इनके बीच बनने वाले कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं आर। कंफ्यूज मत होना, ये गामा है और ये आर है, तो मैं आर को ऐसे लिख देता हूं ताकि थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाए, ये आर, ठीक है। तो वापस डायग्राम को समझ लीजिए, ये मैंने गोलीय सतह ले ली, ये वस्तु से चलकर जाने वाले प्रकाश की किरण जानी तो सीधी चाहिए, लेकिन ये अभिलंब मैंने बनाया है तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, तो अभिलंब के पास आ जाएगी, ये इस प्रकार से आएगी। इस वस्तु का यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, मैंने एंगल मान लिया अल्फा बीटा और गामा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण आई कहते हैं, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को अपवर्तन कोण आर कहते हैं, ठीक है। एक लंब डाल दिया एम से एन, ठीक, ये वाला। तो हम यहाँ पे क्या डिस्कस करते हैं गाइस, पहले अपन ये वाला एंगल फाइंड आउट करते हैं। तो ये वाला एंगल अपन लिखते हैं टेन ऑफ अल्फा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पे देखिए ये रहा टेन अल्फा, ये वाला त्रिभुज आएगा मेरे पास, तो लंब मेरे पास क्या दे रखा है, ये बराबर मेरे पास लंब एम एन और आधार कितना है ओ एन, तो ये आ जाएगा एम एन अपॉन ओ एन, क्लियर। इसी प्रकार से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, टेन बीटा, टेन बीटा भी मेरे पास आएगा लंब बटा आधार, ये रहा मेरे पास बीटा, तो बीटा के सामने वाली भुजा ये आ रही लंब और ये मेरे पास क्या आ जाएगा आधार, तो लंब इसका भी क्या आ जाएगा एम एन और इसका आधार क्या आ जाएगा एन सी, ये आ जाएगा एन सी। इसी प्रकार से हम क्या ज्ञात करेंगे, टेन गामा, ये रहा मेरे पास गामा, तो इसके सामने वाले भुजा ये तो मेरे पास लंब होगा और ये मेरे पास क्या आ जाएगा आधार, तो यहाँ पर भी लंब तो मेरे पास क्या आ जाएगा एम एन और इसका आधार क्या आ जाएगा एन आई, क्लियर। मैंने डिस्कस किया कि ऑप्टिक्स में जो भी एंगल अपन लेते हैं वो हमेशा छोटे होते हैं, और जब भी एंगल की वैल्यू छोटी होती है तो साइन थीटा भी सीधे थीटा के बराबर होता है, टेन थीटा भी सीधे थीटा के बराबर। तो चूंकि सभी कोण छोटे हैं, सभी कोण छोटे हैं अतः हम tan थीटा को सीधे क्या लिख सकते हैं, थीटा, यानी कि यहाँ जो tan अल्फा दिख रहा है उसकी जगह सीधा क्या लिखेंगे, अल्फा। तो हम लिखेंगे अल्फा बराबर आ जाएगा mn अपॉन ओ एन, इसे दे दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट।
इसी प्रकार टेन बीटा की जगह सीधा क्या आ जाएगा, बीटा वो आ जाएगा एम एन और अपॉन एन सी ई से दे दिया इक्वेशन सेकेंड। इसी प्रकार से ये आ जाएगा गामा बराबर एम एन और अपॉन एन आई, इसे दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर। अब हम क्या देखते हैं गाइस, अगेन टेंथ क्लास में आपने पढ़ा होगा कि बहिष्कोण का मान, किसी भी त्रिभुज में बहिष्कोण का मान अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। यानी अगर कुछ इस प्रकार का त्रिभुज दे रखा होगा इस, तो यहाँ ये बाहर वाला कोण होता है x, इसे बहिष्कोण कहते हैं। इसका मान अंदर वाले दोनों कोणों के योग के क्या आता है, बराबर। तो इसी अपन थ्योरम का यहाँ पे भी यूज करेंगे। देखिए ये वाला त्रिभुज अपन को देख रहा है एम ओ सी, इस एम ओ सी में ये वाला जो कोण बन रहा है वो बहिष्कोण है, बाहर बन रहा है। तो इस बहिष्कोण का मान अंदर वाले दोनों कोण अल्फा और बीटा के योग के क्या आएगा, बराबर। तो अगेन हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज एम ओ सी में बहिष्कोण जो है वो कितना है, आई। तो इस बहिष्कोण आई का मान अंतराभिमुख कोण अल्फा और बीटा के योग के क्या आएगा, बराबर। तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, यहां से आ जाएगा आई बराबर। अल्फा का मान मेरे पास दे रखा है कितना है गाइस, अल्फा का मान है एम एन अपॉन ओ एन, और बीटा का मान मेरे पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है एम एन अपॉन एन सी। तो ये आ जाएगा एम एन अपॉन एन सी, इसे दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर फोर। अगेन अब देखिए ये वाला जो त्रिभुज दिख रहा है गाइस, ये वाला एम सी आई, ये पूरा वाला जो त्रिभुज दिख रहा है इसमें ये वाला भी अंदर वाला कौन है, ये वाला भी अंदर वाला, ये वाला भी अंदर वाला कौन है, लेकिन ये जो बीटा है वो इस त्रिभुज के लिए बहिष्कोण है। तो इस बीटा का मान अंदर वाले कोण गामा और आर के योग के बराबर आएगा। अगेन हम लिख सकते हैं त्रिभुज कौन सा, एम सी आई, एम सी आई में भी हम क्या लिख सकते हैं, बहिष्कोण बीटा का मान जो है वो अंतराभिमुख कोण आर और गामा के योग के क्या आएगा, बराबर। यहां से अगर मैं आर की वैल्यू निकालू तो गामा प्लस में है, इधर आएगा तो क्या आएगा माइनस में। मैं यहां पे लिख देता हूं क्या आ जाएगा मेरे पास, R इज इक्वल टू, ये गामा इधर आएगा तो माइनस, यह आ जाएगा बीटा माइनस गामा। तो R इज इक्वल टू बीटा का मान मेरे पास क्या दे रखा है, ये रहा मेरे पास बीटा का मान जो कि है एम एन अपॉन एन सी, और गामा का मान मेरे पास दे रखा है एम एन अपॉन एन आई, तो यह आ जाएगा एम एन अपॉन एन आई, इसे मैंने क्या दे दिया इक्वेशन नंबर पांच। क्लियर। मैंने डिस्कस किया था जब भी हम अपवर्तन के बारे में बात करेंगे तो हमेशा स्नेल लॉ लगाएंगे, तो अगेन यहाँ पे अपन लिखते हैं बाय स्नेल लॉ, बाय स्नेल्स लॉ। स्नेल लॉ क्या कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर का जो मान है वो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक के क्या आता है गाइस, बराबर। और मैंने अभी डिस्कस किया कि हम जो भी एंगल लेते हैं ऑप्टिक्स में वो हमेशा छोटे होते हैं, तो साइन थीटा को भी सीधा थीटा लिखते हैं और टेन थीटा को भी थीटा। तो यहाँ साइन आई की जगह सीधा अपन क्या लिखेंगे, सीधा आ जाएगा आई, और साइन आर की जगह सीधा क्या आ जाएगा आर, बराबर आ जाएगा एन टू अपॉन एन वन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा इस, तो ये एन वन को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा एन वन आई इज इक्वल टू आर को एन टू से, तो ये आ जाएगा आर इन टू एन टू। क्लियर। यहाँ से हमारे पास आई का मान तो दे रखा है किसमें, समीकरण चार में, और आर का मान दे रखा है समीकरण पांच में। तो मान रख देते हैं यहाँ पे, मान रखने पर यहाँ पे हम इसका क्या रख देते हैं मान, तो मेरे पास आ जाएगा एन वन, इस आई की जगह ये पूरी वैल्यू रख देते हैं अपन एम एन अपॉन ओ एन, ये आ जाएगा एम एन अपॉन ओ एन, और प्लस एम एन अपॉन एन सी इज इक्वल टू आर, और आर नहीं एन टू, ये आ जाएगा एन टू, और आर की जगह ये पूरी वैल्यू रख देंगे अपन वापस, ये आ जाएगा एम एन अपॉन एन सी माइनस एम एन अपॉन एन आई। क्लियर। अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने से पहले देखिए इधर एम एन एम एन कॉमन है, इधर भी एम एन एम एन कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं। मेरे पास क्या आ जाएगा एन वन इंटू एम एन बाहर, अंदर क्या बचेगा वन अपॉन ओ एन, वन अपॉन ओ एन प्लस यहाँ पे क्या बचेगा वन अपॉन एन सी, वन अपॉन एन सी इज इक्वल टू यहाँ पर भी एम एन कॉमन, तो आ जाएगा एन टू एम एन कॉमन, यहाँ क्या आ जाएगा वन अपॉन एन सी माइनस एन आई, वन अपॉन एन सी माइनस वन अपॉन एन आई। क्लियर। ये एम एन से एम एन हो जाएगा कैंसल, एन वन को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह आ जाएगा एन वन अपॉन ओ एन प्लस एन वन अपॉन एन सी इज इक्वल टू एन टू को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं एन टू अपॉन एन सी माइनस एन टू अपॉन एन आई। क्लियर। अब देखिए ये जो मेरे पास दे रखा है एन आई, ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं एन वन अपॉन ओ एन प्लस, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा एन टू अपॉन एन आई इज इक्वल टू ये एन टू अपॉन एन सी, तो ऐसा कैसा ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस एन वन अपॉन एन सी। क्लियर गाइस।
यहाँ से मेरे पास आ जाएगा एन वन अपॉन ओ एन प्लस एन टू अपॉन एन आई इज इक्वल टू, दोनों में एन सी, वन अपॉन एन सी कॉमन है तो एन टू माइनस एन वन और नीचे वन अपॉन एन सी। ये वाला जो मेरे पास फॉर्मूला आया है इक्वेशन नंबर 6, इसे हम गोलीय सतह से अपवर्तन का नियम कह सकते हैं या गोलीय सतह से अपवर्तन की इक्वेशन कह सकते हैं। ठीक है, देखिए इस इक्वेशन में इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली क्या है उसको मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ। मैं इस पूरे को वापस रफ कर देता हूँ, देखिए कैसे क्या आएगा, इस पूरे को मैं रफ कर देता हूँ। देखिए इस इक्वेशन में मैं वापस यहाँ पे अगर ये इक्वेशन लिखूं तो मेरे पास आया है एन वन अपॉन ओ एन प्लस एन टू अपॉन एन आई इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपॉन एन सी। क्लियर गाइस, इसको भी मैं रफ किया देता हूँ। ठीक है, तो देखिए एन वन क्या है मेरे पास, एन वन है पहले वाले माध्यम का अपवर्तनांक, ये रहा एन वन पहले वाले माध्यम का अपवर्तनांक। उसके नीचे ओ एन, ओ एन क्या है, ओ एन है दर्पण या इस गोलीय सतह से वस्तु की दूरी जिसे अपन यू कहते हैं, क्या कहते हैं यू। क्लियर, तो यहाँ पे आ जाएगा एन वन अपॉन यू, प्लस माइनस बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए एन टू क्या है, एन टू है मेरे पास दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बिल्कुल, और उसके नीचे एन आई, एन आई क्या है मेरे पास, एन आई है प्रतिबिंब की दूरी, क्योंकि ये प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब की दूरी को अपन क्या लिखते हैं वी, तो ये आ जाएगा मेरे पास प्लस एन टू अपॉन वी। क्लियर, बराबर एन टू माइनस एन वन अपॉन एन सी, ये रहा मेरे पास एन सी, एन सी जो है वो वक्रता त्रिज्या होती है तो वक्रता त्रिज्या को अपन क्या कहते हैं आर, तो ये आ जाएगा आर। अब अपन ने पढ़ा था कि इसको प्लस लेंगे या माइनस, तो आपतित किरण की दिशा में जो कुछ होता है उसे प्लस लिया जाता है और आपतित किरण की विपरीत दिशा में जो कुछ होता है उसे अपन माइनस लेते हैं। यहाँ पे अपन देखते हैं कि आपतित किरण इस दिशा में जा रही है, जो भी अपन दूरी मापते हैं वो केंद्र बिंदु से मापते हैं, तो अगर यू मापना है तो मैं इस बिंदु से इधर आऊंगा, जबकि आपतित किरण तो इस दिशा में है मतलब विपरीत, तो यहाँ पे यू की जगह क्या आएगा माइनस यू। मेरे को अगर वी मापना है तो मैं इस बिंदु से राइट साइड में जाऊंगा, आपतित किरण भी राइट साइड में है मतलब ये दूरी क्या आएगी प्लस। इसी प्रकार आर मापना है तो इस बिंदु से राइट साइड में जाऊंगा, आपतित किरण भी राइट साइड में है तो ये भी दूरी क्या आएगी प्लस। तो हम लिख सकते हैं ये आ जाएगा एन टू अपॉन वी, इसको इधर लिख लिया तो माइनस एन वन अपॉन यू इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपॉन आर। ये जो इक्वेशन लिखी है मैंने गाइस, ये यूनिवर्सल इक्वेशन है, यूनिवर्सल इक्वेशन मतलब जितनी भी हम गोलीय सतह लेंगे उन सभी गोलीय सतह के लिए ये इक्वेशन वैलिड होगी गाइस, 100% वैलिड होगी, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसी इक्वेशन को मैं आगे थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ इस पूरे में से एन वन कॉमन ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ एन वन कॉमन, कॉमन का मतलब होता है उसका भाग देना, तो यहाँ जब एन वन कॉमन लिया तो मेरे पास क्या आएगा एन टू अपॉन एन वन अपॉन वी, कॉमन लिया यहाँ से एन वन कॉमन लेने का मतलब एन वन में एन वन का भाग देंगे तो ये आ जाएगा एन वन अपॉन यू, बराबर यहाँ से एन वन कॉमन लिया तो ये आ जाएगा एन वन कॉमन, और यहाँ एन वन कॉमन का मतलब है एन टू में भी एन वन का भाग और इस एन वन में भी एन वन का भाग अपॉन आर। एन टू अपॉन एन वन को हम क्या कहते हैं, हम जानते हैं कि एन टू अपॉन एन वन को हम कहते हैं एन टू वन, मतलब दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो इसको लिख लेंगे एन टू वन अपॉन वी माइनस एन वन अपॉन एन वन आ जाएगा वन, तो यह आ जाएगा वन अपॉन यू इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन, यह आ जाएगा एन टू वन दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक माइनस का वन और अपॉन आर। तो ये एक यूनिवर्सल इक्वेशन है जो हर प्रकार के गोलीय सतह से अपवर्तन में काम आएगी, और इसी इक्वेशन को हम हमारे आगे वाले वीडियो लेक्चर में और ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस।